भारत को कोवैक्स तथा कोर्बेवैक्स नामक दो नई कोरोना वैक्सीन मिली हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज करने का अप्रूवल भी दे दिया है। दोनों ही वैक्सीन अमेरिका में बनी है। भारत में इन वैक्सीन का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। पंजाबी लेखक खालिद हुसैन, प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले और टीएमसी सांसद भृत्य बासु के साथ कुल 20 लोगों को इस साल 2021 के साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। साहित्य एकेडमी अवार्ड की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। सूडान में हुए नए सैन्य तख्तापलट के चलते सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है। सूडान एक अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। हाल ही में फ्रांस में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट में 40 से ज्यादा म्यूटेशन होने का दावा किया गया है और यह मौजूदा ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। WHO के वैज्ञानिक फिलहाल इस वेरिएंट से संबंधित डाटा जुटाने में लगे हैं। इस वेरिएंट का नाम IHU रखा गया है। इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हरप्रीत चंदी 40 दिन में अकेले साउथ पोल पर पहुंचने वाली दुनिया की तीसरी सबसे तेज महिला बनी है। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए भारत में बनाई गई ओमिशोर RT-PCR किट को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इस किट को टाटा MD और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर तैयार किया है। ओमिशोर का टेस्ट टाइम 85 मिनट और रिजल्ट टाइम 130 मिनट है। हाल ही में एप्पल कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैप $3 trillion पहुंच गई है। वर्तमान में एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। भारत 25 फरवरी से 4 मार्च तक एक बहुत बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास को विशाखापट्टनम में आयोजित करने जा रहा है। इस अभ्यास का नाम मिलन है, जिसके लिए 46 देशों की नौसेना को इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मिलन नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।